सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट पिक्चर दिल बेचारा का अभी अभी जस्ट ट्रेलर आया, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, किसी ने नहीं देखा तो देख लीजिए। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगी और कुछ सीन्स आपको मैं दिखाऊंगा और उसका मैं रिव्यू देना चाहता हूँ जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आया है, कि क्योंकि जस्ट अभी मैंने भी देखा है। उस मूवी में सुशांत सिंह राजपूत ने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से जुड़ी हुई प्रूफ की है। और जाहिर सी बात, सबको पता था कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं और भविष्य में कितने अच्छे बड़े बड़े रोल वो करते, जिसके लिए उनको बहुत बड़े बड़े एक्टर्स से कंपैरिजन भी किया जाता और एक बहुत बड़ा स्थान उनको मिलने वाला था। और जाहिर सी बात है, इससे बहुत लोगों की चली। मैं चाहता हूँ आप लोग अपना ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे कमेंट में वो ट्रेलर देखने के बाद दीजिए। मेरा ओपिनियन यही है कि अगर मैं एक वन लाइनर दूँ कि इस पूरा ट्रेलर से मुझे क्या समझ में आया मूवी के बारे में, तो साफ साफ ये निकल के आता है, एक लड़की है जो कैंसर से जूझ रही है, एक लड़का है जो पूरा मतलब ब्लंट ओपन माइंडेड फोकरे टाइप का, मतलब कि फ्रैंक हंसी मजाक करने वाला, और वो ये दोनों मिलते हैं कहीं और इन लोगों को उसको इस लड़की पसंद आ जाती है, हंसी मजाक करते करते फिर एक कनेक्शन सा बन जाता है और लड़की को सुशांत के साथ रहना, यानी जो कैरेक्टर उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है और वो अच्छा फील करती है। कहानी में एक दो बार ये लाइनें यूज की गई हैं कि एक था राजा एक थी रानी। शायद हो सकता है आप इस मूवी में ये भी देखें कि दोनों किसी ना किसी कारण से मर जाएं, और तो अब ये तो क्या होगा, स्टोरी लाइन क्या है ये तो मुझे नहीं पता, आप मूवी देख के आप बता सकते हैं। लेकिन ये मुकेश छाबरा की डेब्यू फिल्म है और पहली बार वो डायरेक्शन में घुसे, सुशांत सिंह का सपोर्ट मिला, और जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि बहुत सारे एक्टर्स ने मना कर दिया था, सुशांत ने ही हाँ की थी। तो एक ऐसा आदमी जो किसी और के लिए इतने आगे बढ़ के सपोर्ट करने को तैयार है, लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने को तैयार है, अपना साथ देने को तैयार है हर जगह, अगर कोई बढ़ चढ़ के आ रहा है, इतना ओपन माइंडेड आदमी, इतना हेल्पफुल आदमी है, इतना एम्बिशियस आदमी है, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ जाते जाते कि आप कभी इस बात से पीछे मत हटिएगा कि सरकार से ये मांग करने में कि सीबीआई जांच उसकी ना हो। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पिक्चर को इतनी बड़ी हिट बनाइए आप, कि जो नेपोटिज्म के जो बादशाह बने बैठे हैं, जिनको लगता है कि हम कभी भी किसी भी नेचुरल टैलेंट को, आउटसाइडर को हम यहाँ टिकने नहीं देंगे, उनको एक करारा थप्पड़ मार के दिखाइए आप इस मूवी से। इतनी अच्छी रिव्यू मिलनी चाहिए, इतने अच्छे कलेक्शन, इतना अच्छा सब कुछ हो जाना चाहिए कि जनता बहुत समय तक इसको भूल ना पाए। अब आप मूवी देखने के बाद ही इसको जज कर सकते हैं, मैं अभी से क्या बता दूं, लेकिन एक ओवरऑल समझ में आया कि एक इंटरटेनिंग मूवी होगी, एक रोमांटिक कॉमेडी टाइप की भी लग रही थी और सब कुछ देखने को मिलेगा। एक्शन नहीं दिखा मुझे ट्रेलर में, लेकिन एक ओवरऑल जो पैकेज लगा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूँ आप ट्रेलर देखने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए और लड़ाई जारी रखिएगा। एज एन ऑडियंस अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्वालिटी कंटेंट चाहिए या क्वांटिटी का फालतू जो कचरा फेंका जाता है। बॉलीवुड जिस बात के लिए फेमस है कि हर साल इतनी मूवियाँ रिलीज करता है, कोई मतलब नहीं, आप क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो हम इस क्वांटिटी का भी कुछ कर नहीं सकते। और सुशांत के लिए सबसे बड़ी जीत दो होगी, पहली ये कि उसकी इस मूवी को अप्रिशिएट किया जाए, और दूसरी किसी भी आउटसाइडर को वो चीज़ फेस ना करनी पड़े जो सुशांत ने कभी फेस की है। उस वजह से उसने सुसाइड नहीं किया, लेकिन जो भी फेस किया वो आप भविष्य में कोशिश करिए कि लोगों के उन एक्टर्स के जिंदा रहते ही आप उनको प्यार दे दीजिए, ताकि ये कभी किसी को बहाना ही ना मिले कि वो डिप्रेशन में था, वो चल नहीं पा रहा था इसलिए उसने सुसाइड किया, रीज़न जो भी हो। खैर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।